हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू डिकेशी भैया। वैसे भी तुम लोग और कहाँ ही जा सकते हो। अरे मजाक कर रहा था, सीरियसली मत ले लेना। मेरे अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर किंग, और इसके जो ऑथर है ना उनका नाम है कल्कि। वैसे जिन्हें पता हो, हमारे कलयुग के एंड में जो गॉड जन्मेंगे, मतलब विष्णु भगवान के जो अवतार जन्मेंगे, उनका नाम भी कल्कि ही होने वाला है। खैर, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, बस अपने इंटरेस्ट से बता दिया। चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर या फिर जो मेन हीरो है ना, उनका नाम है द टाइगर किंग। लेकिन ऐसा मत समझना कि उनका बस एक ही नाम है, उनके बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि हिज हाइनेस जमादर जनरल, सर जलानी जंग जंग बहादुर, खिलेदार मेजर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसीके, और भी उनके बहुत सारे नाम है जो कि तुम लोग खुद से पढ़ लेना। वह तहजीब गरीब नाम नहीं लेने वाला। फिर ऑथर बताते हैं कि भले ही उनके इतने सारे नाम हो, लेकिन एक्चुअली में जो लोग थे वो उन्हें द टाइगर किंग के नाम से ही जानते थे। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि भले ही आज तुम मुझ पर बॉम्ब भी गिरा दो, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें ये कहानी सुना कर ही जाऊंगा। मतलब कि वो हमारे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर बुक में एक चैप्टर ऐड करके ही जाएंगे, चाहे तुम उनके ऊपर बॉम्ब भी गिरा दो। फिर ऑथर कहते हैं कि तुम जैसे जैसे इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे, तो तुम्हारा जो डिजायर है टाइगर किंग को फेस टू फेस मिलने का, वो बढ़ते ही जाएगा। पर अफसोस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइगर किंग है ना वो अब मर चुके हैं। फिर यहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू होती है। हमारे टाइगर किंग जब सिर्फ 10 दिन के थे, तब उनके महल में एस्ट्रोलॉजर्स की एक पूरी टीम आती है, और फिर वो आकर कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये बड़ा होकर वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बनेगा। लेकिन फिर अपने लिप्स को बाइट करते हुए सॉलिड हार्ड का मतलब बिना पानी के घोट पीना। मतलब देखो, गला का जो मोमेंट है ना, देखना अभी नोटिस करना, कुछ दिखा समझ में आया भाई? मैं नहीं समझा रहा यार, मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा तुम लोग को समझाने में। बस समझ लो, ठीक है? यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, पढ़ लो खुद से गधो। A few moments later. मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालों, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो थोड़ा रुक कर सोच कर ये बोलते हैं कि वैसे तो ये सीक्रेट जो है ना, ये रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप हमें फोर्स कर रहे हैं तो हमें ये बताना ही पड़ेगा। वो सीक्रेट ये है कि ये बच्चा जिस स्टार के अंदर जन्मा है, उसके अकॉर्डिंग इसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। तभी वहां पर एक मिरेकल होता है, और वो जो 10 दिन का बच्चा होता है वो एकदम क्लियर आवाज में बोलता है कि इसमें कोई सेंस और लॉजिक हुई क्या? इस दुनिया में जो कोई भी जन्मा है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। तो आपकी बात में सेंस और लॉजिक तभी होगी जब आप मुझे ये बताएं कि मेरी मौत किस चीज से होगी। पहले तो 10 दिन का बच्चा को बोलता हुआ देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। उन एस्ट्रोलॉजर्स की टीम में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वो अपने चश्मे को थोड़े नीचे कर ऐसे करके देखने लगता है कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है, क्या सच में यही बच्चा बोल रहा है? मतलब ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, वो भी इतने क्लियर वर्ड्स में। और बात बस क्लियर वर्ड्स की नहीं थी, ये 10 दिन का बच्चा इतना लॉजिकल सवाल पूछ कैसे सकता है? मतलब इस 10 दिन के बच्चे के अंदर इतनी इंटेलिजेंस कहां से आ गई कि ये इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज कर दिया? तो फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि क्योंकि आपका जो जन्म है वो बुल के आर में हुआ है, तो इसलिए आपकी जो डेथ होगी उसका कारण टाइगर होगा। जिस पे वो बच्चा कहता है, लेट टाइगर बी अवेयर, मैं आ रहा हूँ। फिर ऑथर बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना महल में, कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे और वो जो बच्चा था वो बोल रहा था, ये सिर्फ एक र्यूमर है, ऐसा मतलब सच मत मान लेना, हो सकता है ये झूठ भी हो, लेकिन इसकी सच होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइज होने लगेगा कि इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो थी। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि इसे पूरी तरह से र्यूमर भी मत मान लेना। फिर ऑथर कंटिन्यू करते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो प्रिंस थे वो बड़े हो रहे थे, वो सिर्फ इंग्लिश काओ का दूध पीते थे, इंग्लिश मूवीज देखते थे, इंग्लिश में से पढ़ते थे, और उनकी केयर टेकिंग के लिए जो नानी थी ना, इवन वो तक इंग्लिश थी। मतलब कि इंग्लिश नानी थी और क्या। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश का इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और सिर्फ टाइगर किंग ही नहीं, इंडिया के ज्यादातर जो प्रिंस थे ना वो इंग्लिश चीजों को ही फॉलो करना पसंद करते थे, क्योंकि उस वक्त ये ट्रेंड में चल रहा था, और इसलिए उस टाइम के राजा महाराजा इंग्लिश चीजों को ही सुपीरियर मानते थे अपने बच्चों के लिए। और फिर हमारे जो प्रिंस थे वो 20 साल के हो जाते हैं तब उन्हें प्रतिबंध पूरम का राजा घोषित कर दिया जाता है, और फिर जब टाइगर किंग के हाथों में राजपाट आता है तब उनके एरिया में, उनके राज्य में बहुत ज्यादा ये जो र्यूमर्स है वो फैलने लगती है कि हमारे जो किंग है उनका डेथ का कारण एक टाइगर ही होगा। इसलिए हमारे जो महाराज होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मार भी दूं तो किसी को क्या ही ऑब्जेक्शन होगा, इसलिए इसके बाद मैं एक टाइगर को मार कर एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवा देता हूं और कहता हूं, अब क्या कहते हो तुम एस्ट्रोलॉजर? जिस पे चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि योर मैजेस्टी, आप आराम से 99 टाइगर तो मार लेंगे, लेकिन आपका जो डेथ का कारण होगा वो 100वां टाइगर होगा, और अगर मैं 100 टाइगर
को भी मार दूं तो? जिसपे चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें जला दूंगा, अपनी टुफ्ट मतलब जो चोटी होती है ना उसे भी कटवा लूंगा और अपने बाल छोटे छोटे कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इसके बाद मैं पूरे राज्य में टाइगर हंटिंग बैन करवा देता हूं। और ये भी कहता हूं कि मेरे अलावा अगर इस किंगडम में किसी ने भी टाइगर को मारने की दुस्साहस की और मेरे इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की दुस्साहस की तो उसका सारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर दिया जाएगा, मतलब कि उससे हड़प लिया जाएगा। और टाइगर को जान से मारना तो छोड़ो, अगर किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में भी टाइगर पे एक पत्थर भी फेंक दिया तब भी उसकी जो जमीन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, सभी मेरे मतलब राज्य के नाम कर दी जाएगी और उससे हड़प लिया जाएगा। और मैं अपने राज्य के प्रॉब्लम, अपने स्टेट के प्रॉब्लम पे तब तक ध्यान नहीं दूंगा जब तक मैं 100वां टाइगर ना मार लूं। और इसके बाद मैं टाइगर हंट पे निकल जाता हूं और बहुत सारे टाइगर्स को मार गिराता हूं। कुछ को तो मैं अपने गन के बुलेट से मार देता हूं और कुछ को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब अपने हाथों से मार देता हूं। और हाथों से मेरा मतलब था बेयर हैंडेड, मैं चाकू का भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे अंदर इतनी शक्तियां है कि मैं टाइगर को अपने हाथों से मार सकता हूं। फिर एक बार हमारे टाइगर किंग के किंगडम में एक बहुत ही हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर आता है जिसे टाइगर हंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसे टाइगर को मारकर उसके साथ फोटो खिंचवाने में बहुत मजा आता था। मैं इसको मारने भी नहीं दे सकता हूँ और इसे मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश राज का दबदबा है और अगर मैंने मना कर दिया तो शायद मुझे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। अच्छा सुनो, ब्रिटिश ऑफिसर से कहना कि वो किसी भी चीज का हंट ऑर्गेनाइज करवा ले लेकिन वो टाइगर का हंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे। जिसपे ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी आके महाराज से कहता है कि एक काम कीजिए, आप ही टाइगर को मार लीजिए, हमारे जो साहेब है ना, ऑफिसर साहेब है ना, उनको बस एक फोटो दिलवा दीजिएगा उस मरे हुए टाइगर के साथ, बस सिंपल। अगर मैंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को इस चीज के लिए हाँ कर दिया तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर हमारे किंगडम में आएंगे और मांग करने लगेंगे कि हमें भी टाइगर को मारना है। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे अपने राजपाट से हाथ भी तो नहीं धोना है। दीवान इधर सुनो, हमें बात करके जल्दी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर आखिर में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद हम ये तय करते हैं कि ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप जो कि कोलकाता में है वहां से 50 डायमंड सेट मंगवाएंगे और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देंगे। देखो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होगी ना वो दो चार रिंग उठाएगी बाकी वापस भिजवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती है वो 50 के 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग्स अपने पास रख लेती है और बदले में सिर्फ थैंक यू नोट महाराज को भेज देती है। और फिर क्या, ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी वाले 3 लाख का बिल भेज देते हैं महाराज के किंगडम में। अभी तुम लोग सोच रहे होगे यार 3 लाख में 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग, इतना सस्ता, OMG। अरे भाई देखो, ये कहानी अगर असली भी हुई ना तो 100 साल पुरानी होगी कम से कम कहानी। और 100 साल में अगर तुम इन्फ्लेशन देखने जाओगे ना तो उस टाइम का 3 लाख अभी के करीब 25 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो इसलिए OMG इतनी सस्ती वाली बात नहीं है। जब मेरे पापा छोटे थे, अभी से सिर्फ 30 साल पुरानी बात है, तब वो पूरे 1 रुपए में पूरे शॉपिंग करके आ जाते थे, ठीक है? तो वैल्यू समझो, उस टाइम का 1 रुपया का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, अभी तो कुछ भी नहीं आता यार 1 रुपए में। पहले एक्लियर्स भी मिलता था, अभी एक्लियर्स भी 2 रुपए का कर दिया है, बताओ क्या यार जिंदगी में। चलो बकवास बाद में, कंटिन्यू करते ओके? इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंटिंग की डिमांड करना बंद कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली महाराज ने ऑलरेडी उसकी वाइफ को पहले पटा लिया। आई डोंट नो व्हाई ये पटा लिया क्यों गलत साउंड कर रहा है। ओके ठीक है, पटा लिया नहीं, नॉट पटा लिया, मना लिया। ओके क्योंकि महाराज ने पहले ही उसकी वाइफ को मना लिया तो इसलिए ये जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है ये टाइगर हंटिंग की मांग करना बंद कर देता है। हाँ हालांकि महाराज को 3 लाख का बिल पे करना पड़ता है लेकिन उन्हें इतना अफसोस नहीं था क्योंकि एटलीस्ट उनका राजपाट तो सही सलामत था। उसके बाद अगले 10 साल में महाराज अपने किंगडम से 70 टाइगर को मार लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद उनके किंगडम से टाइगर ही खत्म हो जाता है। दीवान सुनो, जल्दी से पता लगाओ कि हमारे किस पड़ोसी राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं और साथ में ये भी पता लगाना कि क्या उस राज्य में कोई सुंदर कन्या है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। समझ रहे हो तुम लोग बात को, समझ रहे हो। उसके बाद जो दीवान होता है वो अपने किंग को एकदम ऐसा ही किंगडम ढूंढ के देता है। उसके बाद जो हमारे महाराज होते हैं वो उसी किंगडम की एक रॉयल प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब भी हमारे टाइगर किंग अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर जी के किंगडम जाते थे हमेशा 5-6 टाइगर को मार के ही आते थे और ऐसे ही उन्होंने 99 टाइगर्स को मार कर उसका जो स्किन होता है उसको निकाल कर अपने प्रतिबंधपुरम जो अपना राजमहल था उसके प्रतिबंधपुरम के राजमहल के वॉल पे लगा दिया था 99 टाइगर्स के स्किन को। अब 100वें टाइगर को मारने की बारी आ गई है और मुझे ये भी पता है कि 100वां टाइगर को मारते वक्त मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा लेकिन साला ये 100वां टाइगर मिले तब तो मेरे ससुर के किंगडम में भी सारे टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो 100वां टाइगर की तलाश में हर जंगल जंगल छान मारते हैं
लेकिन उन्हें कहीं पर भी सौवा टाइगर नहीं दिखाई देता है, ना ही अपने किंगडम में ना ही उनके ससुर जी के किंगडम में। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उन्हें एक न्यूज सुनने को मिलती है कि पास के गांव से जो शिप होती है ना, भेड़ जो होती है वो गायब हो रही है। तो सबको लगने लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे टाइगर का ही हाथ है। फाइनली अब मैं सौवा टाइगर को मारकर टाइगर हंटिंग को छोड़ सकूंगा। अच्छा सुनो, जिस गांव से ये न्यूज आई है ना कि वहां के भेड़ गायब हो रहे हैं, वहां पर 3 साल के लिए टैक्स को माफ कर दो। मतलब अगले 3 साल तक वहां से अब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। काफी दिन बाद भी उस गांव में एक भी टाइगर नहीं मिलता है, जिसपे जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और फिर इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमारे महाराज थे ना, उनके अंदर जो भी ऑफिसर्स काम करते थे उसमें से बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब खोने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे महाराज थे ना वो इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि वो किसी को भी, अपने ऑफिसर्स को भी कभी भी छोटी छोटी बात पे फायर कर देते थे, मतलब निकाल देते थे। और फिर कुछ दिन बाद हमारे जो किंग होते हैं वो दीवान को ऑर्डर देते हैं कि इस विलेज की टैक्स को डबल कर दो। इस चीज को सुनकर हमारे जो दीवान होते हैं उनको समझ में आने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और महाराज को सौवा टाइगर नहीं मिला तो महाराज का जो गुस्सा का कहर है वो हम सबको झेलना पड़ेगा, उनके किंगडम को, उनके लोगों को और उनके घर वालों को भी ऑब्वियसली। इसलिए हमारे जो दीवान होते हैं वो पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में है वहां से एक ओल्ड टाइगर को मंगवाते हैं। और फिर हमारे जो दीवान होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस बूढ़े टाइगर को अपने गाड़ी में लोड करते हैं बहुत ही मुश्किल से, एकदम मतलब समझ रहे हो ना कितना मुश्किल हुआ होगा एक टाइगर को लोड करने में, वो दीवान अकेले और उनकी वाइफ अकेली। मतलब वो किसी और को बोल भी नहीं सकते थे कि मेरा हेल्प करो, वरना अगर वो इंसान जाके महाराज को बता देता कि आपका जो दीवान है वो पीपल्स पार्क एक चिड़ियाघर से टाइगर को उठा के लाया है, तो हो सकता है जो महाराज थे वो दीवान पे ही गुस्सा कर देते, उसी को एग्जीक्यूट करवा देते, गला कटवा देते या फिर जॉब से हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए जो दीवान होता है वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस टाइगर को लोड करता है और उस जंगल में जाकर छोड़ देता है जिस जंगल पे अगले दिन जो टाइगर किंग थे ना वो हंटिंग करने जाने वाले थे। लेकिन फिर जब वो जो दीवान होता है वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस टाइगर को नीचे उतार रहा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि टाइगर को उतारना चढ़ाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वो थोड़ी कोई तुम्हारा कुत्ता है, कोई पेट थोड़ी है, वो टाइगर का वेट भी पता है 100 kg, 150 kg, 200 kg ऐसे जाता है टाइगर का वेट। अगले ही दिन हमारे जो महाराज होते हैं वो हंटिंग के लिए जाते हैं और जैसे ही उन्हें वो ओल्ड टाइगर दिखता है तो वो एकदम प्रिकॉशन लेते हुए अपना गन निकालते हैं और ऐसे करके बुलेट फायर कर देते हैं। बुलेट फायर करने के अगले ही सेकंड वो जो टाइगर होता है वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद जो महाराज होते हैं वो अपने साथ आए हुए हंटर्स को कहते हैं कि इसका जो स्किन है उसको निकाल के मेरे प्रतिबंधपुरम के जो हॉल है वहां पे जाके लगा दो सौवा टाइगर के स्किन को, और बचे हुए बॉडी पार्ट को दफना देना। इसके बाद जो हंटर्स होते हैं वो जाके उस टाइगर को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो जो बूढ़ा टाइगर है उसे तो गोली लगी ही नहीं है। वो जो बूढ़ा टाइगर था ना वो गोली की गन की आवाज सुनकर ही सदमे में चला गया था और सदमे में आके गिर गया था। लेकिन यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो वापस महाराज के पास जाएं और उन्हें बोले कि आपका जो गोली है वो मिस हो गया है। फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर ऐसा हमने करा तो हमारे जो महाराज है वो हम पे भी गुस्सा हो जाएंगे और हम भी अपना जॉब खो देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो महाराज के लिए इंसल्ट की बात हो जाएगी कि उनका जो गोली है वो मिस हो गया। इसलिए वो किंग को जाकर नहीं बोलते हैं और खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं। और फिर जहां पे सौवा टाइगर को दफनाया जाता है वहां पे एक बड़ा सा टॉम्ब बनाया जाता है और लिखा जाता है कि हमारे जो महाराज हैं उन्होंने सौवा टाइगर को मार दिया है, और उस दिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होता है। इसके बाद जो हमारे महाराज होते हैं, जो टाइगर किंग होते हैं, वो टाइगर हंटिंग को छोड़कर सोचते हैं कि अब वो अपने परिवार पे फोकस करेंगे और अपने बच्चे पे ध्यान देंगे। इसलिए फिर वो सोचते हैं कि उनका जो बेटा है उसका जन्मदिन जल्दी ही आने वाला है, इसलिए वो सोचते हैं कि उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट देखकर आता हूं। इसलिए हमारे जो टाइगर किंग होते हैं वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। लेकिन एट लास्ट उन्हें दुकान में एक बड़ा सा टाइगर का वुडन पीस दिखता है और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि इस वुडन पीस का कॉस्ट कितना है। फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो सोचता है कि ये जो वुडन पीस है ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है, सिर्फ 2 anas and a quarter का है। लेकिन अगर वो महाराज को इतना सस्ता दाम बोलेगा तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए कि तुम मुझे इतना सस्ता चीज क्यों दिखा रहे हो। इसलिए वो डर के मारे झूठ बोल देता है और कहता है कि ये 300 rupees का है और एक बहुत ही स्किल्ड कारपेंटर ने इसे बनाया है और ये पीस बहुत ही ज्यादा रेयर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अब तुम जल्दी से इस वुडन टाइगर को पैक कर अपने क्राउन प्रिंस को एज अ गिफ्ट के तौर पे दे दो, मतलब कि ऑब्वियसली मेरे बेटे को। उसके बाद मैं और मेरा बेटा इस वुडन टाइगर के साथ बहुत देर तक खेलते हैं। देखो एक्चुअल में वो जो वुडन टाइगर था ना वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था और उसका जो सरफेस था वो बहुत ही ज्यादा रफ था और उसमें वुडन सिलीवर्स निकले हुए थे, मतलब कांटे कांटे टाइप के उसके सरफेस से निकले हुए थे। इसलिए जब हमारे महाराज अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर से खेल रहे थे तब उनके राइट हैंड में एक वुडन सिलीवर घुस जाता है, जिसपे महाराज उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के अंदर जो कांटा घुस गया था ना उसको निकालते हैं और आराम से वापस से अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन हमारे महाराज के राइट हैंड के फिंगर में इन्फेक्शन फैल जाता है और धीरे धीरे करके वो उनके पूरे आर्म्स तक फैल जाता है, जिसके बाद 3 famous surgeon को बुलाया जाता है और महाराज का ऑपरेशन भी होता है। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये अनाउंस किया जाता है
कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराज इज डेड। मतलब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन हमारे जो महाराज हैं वो मर चुके हैं। और इस तरह से ये बात सच हो जाता है जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट की थी कि जो हमारे टाइगर किंग है उनका डेथ का कारण सौवा टाइगर ही होगा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर ने तो इतना ही कहा था ना कि तुम्हारा डेथ का कारण सौवा टाइगर होगा। अब वो असली हो नकली हो इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। और जाने से पहले मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ, मेरा जो पेड कोर्स है वो एडुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल है। तुम इजिली उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। बाकी तुम प्ले स्टोर में भी लिखोगे ना एडुकेशनल भैया तो आ जाएगा। वैसे कोर्स का प्राइस कुछ लोगों के लिए, मतलब पहले 500 लोगों के लिए सिर्फ 999 रुपीज है। और इस कोर्स में रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सेक्शन सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करके आना है। जिसके अलावा तुम मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्ट भी कर सकते हो और तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें मैं भी रहूंगा। ओके, डिटेल में जानना है तो उसका भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा, और अगर वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा तो मैं उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।